अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, जुम्मा का दिन है, आप सबको पहले पहले तो जुम्मा मुबारक। और उसके बाद इंशाल्लाह डे की जो एक्टिविटी होगी वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, आगे की रूटीन आपको सनिया दिखाएगी कि क्या रूटीन थी क्या नहीं, जो भी होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मम्मा के घर, वहाँ शूज़ वगैरह रखने हैं, उसके बाद फिर जुम्मा नमाज़ पढ़ते हैं। जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी रूटीन या आप लोग कहीं भी निकलते हैं कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। बाय बाय। हम लोग बना रहे हैं स्पैगेटी चिकन, हमने बोलने से नहीं मिला तो अभी हम इसका प्रोसेस रखा हुआ है। कुछ ये कलेजी बोटे लाए कल के लिए, उसके अलावा ये चाय है, चाय के साथ मैंने ये मसाला जो है ना काट लिए। और ये हमने एक टोकरी रखनी है रूम के अंदर ताकि हम लोग जो है ना इस पर खाते पीते रहें और जीते रहें। इसमें तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि चाय शाय रेडी हो गई है। पहले हमने एक शलजम काटा है, शलजम बड़े मज़े से खाया है, फिर गाजर खाई है। तो कुछ ऐसे ही रूटीन बनी हुई है, तो मैं तो चाय साथ साथ ले रहा हूँ। ये अपना काम करिए, काम करने के बाद फ्री होगी तो फिर कुछ होगा। कल हमारी मासी ने नहीं आना, इसलिए हम लोग साथ साथ बर्तन भी वॉश करते जा रहे हैं जी। मुझे इसकी रेसिपी का नहीं पता, जो भी कुकिंग है इन्होंने करनी है। ये इन्होंने अपनी मर्जी से मसाला जात निकाले हैं। ये बर्तन मैंने इनको दिया है, ये यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे चिकन बॉईल हो रहा है, यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, किचन मैंने साफ कर दिया। हो गया ना बॉईल? नहीं, अभी इसे और ज़रूरत है। ये हेलो, दिस इज फॉर यू, थैंक यू। मुझे दो दिन हो गए ठंडी चाय मिल रही है। तो आप पी रहे हो इसमें हमारा क्या कसूर? हाँ जी, हम बिजी होते हैं। और साथ में हमारा ये देखें, ओए होए होए, मैं कहना जी मजेदार। पहले इन्होंने आपको जो है ना किचन बहुत गंदा दिखाया, क्योंकि उस टाइम सारे काम का प्रोसेस जारी था। सॉरी, अब प्रोसेस जो है मुकम्मल हुआ, अब कंप्लीट हो गया विद चाय। हाय हाय, सबसे अच्छा ये। फिर ये, फिर ये साग नहीं, मत मार दिया आज। हां, शुक्र है मैं भाग गई वहां से, मुझे अंदर और मैं बाद में आई। इतना तो हम नहीं खाएंगे जितना हमसे कटवाया जा रहा है। उन्होंने भी खैर वहीं पे छोड़ दिया। हमारा तकरीबन प्रोसेस में है 80%। फर्स्ट टाइम खा रही हो ना ये स्पैगेटी, या पहले खाई है? यार मैं तो देहाती बंदा हूं, मुझे नहीं नहीं वैसे। हां सच में, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बनती कैसे है। मेरी बहुत फेवरेट है, हम लोग बहुत घर पे बना के खाते हैं। अब शहरी बच्चे हैं ना, सीख जाओगे अब। अभी आए आए, वाओ, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, सारी एक दफा ही डाल दो। नहीं, वो फिर मजा नहीं आएगा। चिकन जो है वो बॉईल हो गया है, मैंने तो कहा कि मैं इसके पीस करती हूँ, लेकिन इनको अपनी मर्जी के कोई पीस चाहिए। काश अगर बोनलेस मिल जाता ना, फिर उसके लिए हमें बॉईल नहीं करना पड़ता, फटाफट काम हो जाना था। ओके चलो, खैर वो फिर लंबा लंबा काट लेते ना। अच्छा अच्छा, बाकी वही मटेरियल अभी हमारा प्रोसेस में है, जैसे रेडी होगा तो। वैसे इसकी रेसिपी किस चैनल पे होगी, दोनों के? चले ठीक है, डिफरेंट बना रहा हूँ। वैसे नॉर्मली ऐसे नहीं बनती, नॉर्मली किसी और तरीके से बनती है। मैं इसको ना अलग तरीके से, मैं इस पे जो ना वो क्या होता है ये रेडी हो गया, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये जी कोई इनकी रेसिपी है, डायरेक्ट ही इन्होंने चिकन डाल दिया, पता नहीं अब ये क्या बनने वाला है। ये अब दही बनने वाला है ना जी, वो लग रहा है क्यों? अब जी इसमें इन्होंने सारी, वैसे एक सेकंड के लिए हमने चिकन को इसमें फ्राई किया सारी एक दफा, पता नहीं अब ये क्या बनने वाला, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा बनेगा, गरम है वो, लेकिन इनको फ्राई करने में अभी मेरे ख्याल में काफी टाइम। भाई थोड़ा सा ये कच्चा कच्चा रहता है, ये चीज कच्ची कच्ची, इतनी भी कच्ची नहीं रहती। ऑयल कम नहीं लग रहा, ठीक है। खैर अभी इनका भी पानी हो जाएगा सबसे। आप, मुझे लगता है कि आपको चिकन जो है ना वो एंड पे ऐड करना चाहिए था, जो मुझे लगता है वो शुरू में ऐड करना चाहिए था। अच्छा मैं अब इसकी आंच तेज कर रही हूँ, इसमें हम कम कर दो, कम कर, ये क्या है? काली मिर्च, ये तो बहुत कम है। क्या हो गया है? आपने खुद तो बोला कम, इतनी भी नहीं। बस फिर चाक के चल रही पकड़, पता नहीं ये क्या बनने वाला है। जो भी बनने वाला है अच्छा ही बनने वाला है।
आपने इसमें नमक भी ऐड नहीं किया। बस क्या हो गया है? ये है। क्या है? पता नहीं क्या है, पर जो भी कम ऐड करो। विनीगर, वो सिरका है। दिख रहा है? पैसे। चीली होती है। पहले इसको मिक्स करते हैं। तो भाई कोई और मिर्ची नहीं डालना, इसलिए ये डाल रहा हूँ। फिर पूरी बोतल डालनी है क्या? मुझे तो इस रेसिपी की कोई समझ नहीं आ रही, डर ही लग रहा है। तो, पहले आप खाएंगे अगर ठीक है। मैं खुद खाऊंगा, तुझे कौन दूंगा? मैं फिर खाऊंगा, ये उस वक्त से थक रही हूं। ये सोया सॉस है। ये तो कम डालते हैं। हाँ, लेकिन ये और क्या हो गया? बस बंदा पागल हो गया है। अब ये जी नमक ऐड, नमक खराब आप कम डाल रहे हो, चम्मच से डालो यार। ठीक है। नहीं, हर चीज में नमक नहीं है। बस या और डाल दो। बस खैर बाद में चीज कम डालते हैं, अगर वो कम हो तो फिर दोबारा ऐड करते हैं। ये क्या है? अदरक? नहीं, ये भी ना ऐड करो आप। अभी आप इसे थोड़ा सा तेज आंच करो। हाँ, मुझे पता है। चलें जी, जब ये बनेगा, अगर तो दिखाने वाली लुक हुई तो मैं दिखाने वाली लुक है। ये सामने लुक है और क्या है? पता नहीं क्या, खुद भी देखे हंसी आ रही है इनको। नहीं नहीं, अच्छा बनेगा ये। चलें ठीक है, फरियाद करने लेके कुछ खाया था मैंने, ठीक हो गया। सिर्फ यही रह गया हमारे पास, बाकी लाइट चली जाती है 5:30 से यहाँ से, तो फिर उसके बाद आती है 6:30। और अभी भी कोई कॉल आ रही है। खैर, किचन भी मैंने साफ कर दिया, बस एक वो बर्तन रह गया, बाकी आप देख सकते हैं फुल अंधेरा है, लाइट चली गई है। और अभी मैं ये थोड़ा सा किचन में ना पोछा लगाऊंगी, नीचे काफ़ी वो ना ख़राब हो गया। बाकी जो खाना है उसका फाइनल लुक इतना सही दिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि लाइट नहीं है। तो वंस अगेन जब कभी रेसिपी बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो लाइट आएगी 1 घंटे के बाद, तो फिर उसके बाद फिर हम देखें क्या करते हैं। ये जी डिनर ही बोल सकती हूँ, लाइट नहीं है तो ये कैंडल नहीं बोल सकती मैं, ये टार्च बोल सकती हूँ। अच्छी बनी है, जबरदस्त। तो अभी और ऐड करनी है, इन्होंने आज ये सारी ऐड कर दी है। अभी ये जो है बाकी इसके ऊपर डाल के जी ये खाएंगे। बस करें, अगर रात को दर्द हुआ तो फिर कुछ नहीं होता। चलो हॉस्पिटल ना ले जाएं। वो तो अपने खुद ही जाना, मुझे बाइक थोड़ी चलानी आती है। पेड़े बना लिए हैं, रोटी माशाल्लाह से बना रही हैं। ये आटा उन्होंने गुनी, यहाँ पे वो मछली तैर रही है, वही सालन बन रहा है। ये जी मेरी मम्मा का तवा देखें कितना साफ सुथरा, डेली इसकी सफाई होती है। आग जल रही है। अभी मैंने करना है यहाँ पे नाश्ता, फिर उसके बाद हाँ बिल्कुल जी, कोई शक नहीं। मम्मा मैं तो खुद, वो मेरा नॉन स्टिक है लेकिन मैं उसकी सफाई बहुत रखती हूँ। आज मासी नहीं थी तो मैंने अपने घर की सारी सफाई खुद की है, सुबह से मैं बिजी हूँ। तो अभी हमने करना है थोड़ा सा नाश्ता, फिर उसके बाद दिलबर ने जाना है जुमे की नमाज अदा करने, तो मैं और मम्मा घर पे करेंगी इंशाल्लाह। फिर आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है मम्मा जी? मम्मा जी आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक। देखें मम्मा ने रोटी माशाल्लाह बनाई, मेरी मम्मा की रोटी बहुत पतली और छोटी सी होती है, साफ तवे पे साफ सुथरी रोटी है माशाल्लाह। रेडी हो गया, नाश्ता भी है और लंच भी है। कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, खास करके मक्खन वाली रोटी। रोटी कैसी लगी आपको? ज़बरदस्त, सॉफ्ट है ना, पराठे से ज़्यादा अच्छी है ना, मज़ा आया इंशाल्लाह माशाल्लाह। आज आप देखें नहर काफ़ी ज़्यादा फुल है, काफ़ी पानी आ गया आज। आज आप वो दिन के बाद ही आ रहे हैं? 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन हम लोग नहर पे नहीं आए, और यहाँ पे सुना है खजी पीर मशहूर है। हाँ, वो भी एक पुराना दरबार है। आगे मैं कर अपनी लाइफ में आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैं तो रोज जाता हूँ। नहीं नहीं, मतलब जैसे बताया है वो बात कर रही हैं। तो उसकी लोकेशन आज मैंने फर्स्ट टाइम देखनी है, आपको भी दिखाऊंगी। हमारे साथ पानी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा फुल हुई है ना। इस साइड पे मेरे ख्याल में ये 56 को जाती है, 56 है। हाँ, और इस साइड पे ये गाटर वाला पुल आ गया दोबारा। इधर नहीं जाना, हमें सीधा ही जाना है शायद। सीधा जाना? हाँ सीधा। ये देखें जी, ऐसे औरतें यहाँ, नहीं नहीं इधर सीधा जाना है, मुझे लगता है वो सामने है ये ग्रीन वाला। आगे तो चलो, पानी के पास
ये देखे पानी कितना भरा है, मैंने वो रिकॉर्ड करना था लेकिन चले अच्छा, लेकिन आज पानी बहुत हुआ हुआ है बहुत। हाँ। वो देखो कपड़े धो रही है। हाँ, पता नहीं हर कैसे वॉश करती है, मुझे तो डर लगता है। ये जो नहर है ना हर साल ये है, लग तो यही रहा, पता नहीं सरकार मोहम्मद जमील यही लग रहा है, पर वो तो खुला नहीं होना चाहिए। दरबार आला हजरत बाबा सरदार अली दरवेश, मुझे तो नहीं पता, खैर शायद यही हो। खजी वाला पीर कहाँ लिखा हुआ है भाई? खजी वाला पीर उन्होंने मशहूर किया हुआ है, पता नहीं। सूफी बाबा लाल दीन, ये मेरे ख्याल में बोर्ड का दरख्त है यार, ये इतना ही बड़ा होता है। किसका दरख्त है ये? बोर्ड का दरख्त है, पीपल है, पीपल है ये। हाँ। मुझे नहीं पीपल स्क्वायर है ये, मुझे नहीं पता। पीपल है। साथ में ये सरसों उन्होंने छोड़ी हुई है ना, घास निकाल ली है। आप पता तो करें यही है या आगे है कहीं? मेरा रिश्तेदार तो नहीं है क्या पता? मुझे क्या पता रिश्तेदार है या नहीं है। चले मेरा जो भी ये है। क्या है ये जी? भूत बंगला है। अंदर से इन्होंने दरबार बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये उनके जो मतलब खलीफे होंगे, उन्होंने उनका वो आस्थाना बनाया, वो वहाँ बैठते होंगे। यहाँ पे लंगर वगैरह रेडी तैयार होता है, तो बस यही है दरबार। आप अंदर से ज़्यारत वगैरह कर सकते हो, बस हम तो बाहर से फिर सलाम करके जो है ना निकल रहे हैं। और पीपल का दरख्त चेक करें अब कितना बड़ा है। चलें चलें भाई। ओके ये देखें आज पानी काफ़ी आगे तक आया हुआ है। सामने वो शावर है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, प्लीज़ आप वहाँ ले जाओ। ये देखें ये पता नहीं क्यों ऐसे पानी आ रहा है। ये वाला खैर अभी भी नज़र नहीं आया। चलें जी, ब्लैक कलर का पानी है आज, डर लग रहा है। ये नहर की दूसरी साइड है, यहाँ पे ये जी गायों का सिलसिला है। अभी हम जा रहे हैं नहर की इस साइड पे थोड़ा सा आगे, क्योंकि इस साइड पे सड़क बनी हुई है ना। आप पता नहीं यकीन करते हो या नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ऐसे रोड पे, मतलब कभी भी नहीं हम लोग आए ऐसे, इवन के घर के पास है फिर भी नहीं। पानी इस साइड से देखें काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी में, यही तो बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये देखें जी किसी का डेरा है यहाँ पे। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा छोटा सा न्यू बॉर्न है, बहुत खूबसूरत यहाँ का व्यू है। ये इनके जानवर। हाँ जी, बस ऐसे तो मामू का भी है लेकिन ये पता नहीं किसका है। और आंटी से पूछा, मैंने कहती आप बना लें बेटा, कोई बात नहीं जितनी मर्जी बनाए। ये कुछ गोभी सरियम का साग है, उसके बाद ये घास वगैरह है। साथ में मैं इसको रोज़ बोलता हूँ कि यहाँ चलिए, तो आज हमने इजाज़त ले कि हम इधर आ गए। और साथ में ये बाग भी लगा हुआ है, ठीक है, माशाल्लाह से ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये दिखाओ ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। आप तो न्यू पीपल हो ना? मैं वो सोच रही हूँ कि अगर मेरी आस पे कोई छोड़ दे कि आपने साग बनाना है, मैं तो फिर पता नहीं किस चीज़ का साग बनाऊंगी। बस ठीक है, साग बनाना है, बोलो साग ही बनाना है और तो कुछ नहीं करना। ये भी साग ही है, इसमें साग, इसका साग तोड़ सकते हो। मुझे लगता है अब इसका ये ऑयल बनाएंगे, है ना? नहीं, ऑयल तो बनेगा लेकिन इसमें बीच में काफी साग भी है, पता नहीं है कि सारा ऑयल है, साग भी है, लेकिन वो लोग बस वो वाकई बात है ऑयल ही बनेगा। इनकी लेंथ काफी ज्यादा है, हम काफी ऊंची जगह पर खड़े हैं, तकरीबन इनकी 4 फुट 5 फुट तक भी है इसकी लेंथ, 4.5 फुट काफी दूर दूर तक है। ये सारे जो है ना, ये क्या है? अमरूद है शायद। अमरूद, अमरूद, लीमू, किन्नू, हर चीज़ है, हर चीज़ है भाई, हर चीज़ है। ये छोटी सी नहर है इसमें। कल जो है ना, आज इन्होंने बताया था कि बारिश भी होगी। और छोटी सी नहर क्या है? ये छोटी सी नहर है, छोटी सी नहर भी है भाई इसमें। और छोटी सी नहर को हम पार कैसे करें? मैं तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो उन्होंने वहाँ फटा रखा हुआ है, वहाँ से फटे से आप जो है ना आगे जा सकते हैं। तो माशाल्लाह से यार मैं बोलता हूँ अंत है, ये सीन अब देखो। आज बारिश होगी, होगी तो फिर होगी, खुशी साहब बस अभी चुपना शुरू हो गए क्योंकि आज 12 डेट है और 12 डेट को उन्होंने बारिश बोली थी। चलें जी, मुझे तो बस जी ये फूल ही पसंद है। ये देखें आप, बहुत प्यारा डेरा है यार इन लोगों का यहाँ पे, बड़े मज़े से ये लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये 53 गांव यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये मेरे दादाजी लोगों का गांव है। हाँ जी, मैं बता रही थी कि ये मेरे दादाजी लोगों का गाँव है। आपके दादा का गाँव है?
हाँ 55 जो है वो मेरे सगे दादा थे, ये दादा के भाई का गांव है 53 54। ये वो जी, आप किन्नो चेक करें, क्या बोलूँ, ये मेरे दादा लोगों के गांव के ये देखें जी कितने खूबसूरत हैं। तो गाइस किन्नू के बाग में हम लोग पहुंच गए और आंटी लोगों ने अब तो दिल खोल के इजाज़त दे दिए कि पुत्रा चक दे फटे थे, उतर फिर थे आ गए तो हमें तोड़ नहीं लगे। उन्होंने हमारे लिए एक शापर तोड़ के हमें दे रहे हैं। बाजार से लो ना 100 रुपए के 2 किलो, इन्होंने जो है 4-5 किलो दे दिए। मज़े से बैठ के घर जाके ना जो सुबह आपका ब्लॉग देखेंगे ना आपको बताएंगे। अच्छा आप ये चीज़ देखें कि बाहर से तो इतना वो मतलब फल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मसाला लगा के ना बहुत मज़े से, वो भी आंसा से चोरी करना पड़ेगा। 200 रुपया बच गया हमारा, 4 किलो कल लगा भी तो है, कोई बात नहीं माशाल्लाह से। ये जो कल उन्होंने कहा कि हमने एक ट्रक सेल कर दिया, खाली हुआ है ना, वरना ये फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को यहीं पर लेके आई थी, लेकिन हम बाहर बाहर से आए, हमने फर्स्ट व्लॉग जो है ना यहाँ से शूट किया था। हाँ जी, लेकिन बार बार से डर रहे थे कि कहीं हमें जो है ना चपड़े ना पड़े नहीं नहीं यहाँ के लोग ऐसे नहीं। चलो अच्छे, लेकिन तो अच्छे माशाल्लाह से। अभी मैं इनसे ये पूछ रही थी कि बाजार में तो इतने अच्छे अमरूद मिलते हैं, यहाँ पे मैं जो भी देखती हूँ वो कच्चा है, तो उन्होंने बताया कि जी वैरायटी अलग होती है। वैरायटी का फर्क है। चलो तो अभी हम चलते हैं अपने घर। मुझे लगता है ये कोई लेमन है ना, ये किन्नू ही है, ये भी किन्नू है भाई, सारे किन्नू, लेकिन खाली हो गया ये बेचारा। चलो आ जाओ मैं आपको अमरूद दिखाती हूँ, पर इस पर तो शायद कोई नहीं लगा हुआ। चलो आ जाओ, सूरज भी है जी हमारे साथ साथ, अभी हम घर चलते हैं। ये अमरूद लगे हुए तो हैं वैसे, ये बताइए, लेकिन ये कच्चे हैं? नहीं कच्चे तो हैं, लेकिन ये लगे हुए, लगे तो हैं हर जगह, ये तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन बाजार से तो मिल लगा हुआ वो ना पक जाएंगे अभी। ये वैरायटी होती है, ये गर्मियों वाली वैरायटी है, हो सकता है। हाँ जी अभी हम घर जाएंगे, इनका माशाल्लाह से वो जानवर भी बहुत रखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी मैं घर जाती हूँ, फिर आपको किन्नू खा के दिखाती हूँ कि फ्री के किन्नू का क्या टेस्ट होता है। आज मैंने इनके अपर को प्रेस किया, वॉश किया, तो माशाल्लाह से शाइनिंग आ गई है। वो अलग बात है कि आगे होता है पहनने वाला। वो अलग बात है कि सरसों के फूल का रंग लग गया सारा। क्या मतलब है, मैं साफ कर दूंगी। लेकिन चलो बहुत प्यारा ऐसा लग रहा है जैसे न्यू लेके आए। हाथ किसके लगे हैं, पहना भी आगे बंदे ने। हाँ जी हाँ जी, बंदे ही पहनते हैं। चलें ठीक है जी, चलें जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बस 2-3 बातों के जवाब देने हैं, और उसके अलावा कल दिलबर ने मेरे लिए खाना बनाया, खैर उनकी वो फेवरेट डिश थी, मेरी भी फेवरेट है, बट ये है कि मैंने कभी पहले ट्राई नहीं की, बनाने में ट्राई नहीं की, घर पर नहीं बनाई, और उसके अलावा बहुत टेस्टी थी माशाल्लाह से। उसकी कोई फाइनल लुक में ये चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि लाइट चली गई थी उस टाइम। और उसके अलावा उसके अलावा फिर आज मासी भी नहीं थी, घर के सारे कामकाज खुद किए हैं, और दिलबर के भी कपड़े मैं साथ साथ प्रेस कर दिए हैं, मतलब कोई भी काम घर का नहीं छोड़ा। और एक छोटी सी बात का जवाब देना था जो कि अक्सर ही आप ही के चैनल पर भी पूछे जाते हैं। देखें जी वो मेरे शौहर हैं, मेरे कोई नौकर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। और हम में ये आदत है कि औरतें खुद सारा काम करती हैं, वो अपने हस्बैंड की हर चीज़ को पहले से ही तैयार करके रखती हैं, शूज़ कपड़े जो कुछ भी हो गया हर वाइफ रखती है, लेकिन अब मैं अपने घर की फ़िलहाल रूटीन बता रही हूँ। तो जी वो यहाँ पर कोई नौकर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कोई उनसे काम नहीं करवाया जाता। वो मेरी हेल्प क्यों करते हैं, इसका सवाल का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, और आई थिंक कि वो अपने उस घर में भी हेल्प करते थे, आप उनके व्लॉग्स में देख सकते हैं, सफाई देने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं इसके अलावा कोई और बात नहीं करना चाहती, बातें क्योंकि बहुत सी होती हैं मेरे ख्याल में कि हर बंदे के पास बहुत से राज होते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रूफ्स या मतलब हम हर बात पे बोलते रहते हैं जी हमारे पास प्रूफ्स नहीं है, तो हर किसी के पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं होते। जब आपको कोई जान रहा होता है ना तो आपके पास कोई ना कोई राज या कोई बात होती है। उसके अलावा हम इतना कुछ बोलने के बाद कह देते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला, तो ये बात गलत होती है। हम इतना कुछ बोलने के बाद कह देते हैं कि यार मैंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आई, तो भाई हर बंदे के अंदर खून है, पानी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हर किसी का बीपी शूट होता है, तो इस वजह से जो भी बोलना होता है ध्यान से बोलें। और बस इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं अपने शौहर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, शायद इसलिए वो मेरी आगे से रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी जो है
हर चीज़ जो दिख रही होती है वो होता नहीं है, ठीक है। मज़लूम बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे भी हूँ, सामने हूँ, जिसने जो बोलना है जी जी बिस्मिल्लाह। चलें जी, मिलूँगी कल आपके साथ एक अच्छे ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। आज मैं दिलबर को लेकर गई थी, हम तो वैसे ही घर से निकले थे, वो खज्जी पीर का जो कोई दरबार था मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है, तो वहाँ पे भी मैंने अपने पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर पूरी फैमिली के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और उसके बाद बस ऐसी मौसम जो था बस ठीक था, तो हम थोड़ा आगे निकल गए, तो जिस दिन हमने जहाँ पे हमने फ़र्स्ट ब्लॉग अपना शूट किया था तो हम वहाँ पे दोबारा गए, तो उसी एरिए पे, क्योंकि वो रोड पे खड़े होके ना वो सरसों के फूल नज़र आते हैं, हम वहाँ चले गए। वहाँ जब गए हैं तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी। मैंने उनको बताया कि ये जी ऐसे ऐसे मेरे दादाजी, अब तो खैर उनको 10-15 साल हो गए, उनकी डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त की कि ये उनकी नवासी है। उन्होंने हमें किन्नू भी दिए, हमने घर आके वो खाए, और सच में बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छे लोग भी। उन्होंने हमसे पूछा कि आप शहरी लोग हो तो आप, तुमने जितनी भी तस्वीरें बनानी हैं आप बना सकते हैं। तो खैर बहुत अच्छा लगा दिलबर को, ये वाली चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, वो इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच। मैं उन लोगों को भी थैंक्स करके आई थी, तो मैं दिलबर को भी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और मेरी बस अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, तो मिलूँगी कल इंशाल्लाह आपके साथ एक अच्छे व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।